जी वीवर्स, कैसे हैं आप? हम आपको जो गाड़ी आप फर्स्ट दिखाएंगे वो है हुंडई की सेंटा फे, जो अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुई है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग हुई है इसकी। ये दुनिया की बेस्ट कारों में शुमार हो गई है, बेस्ट एसयूवीज में शुमार हो गई है, क्योंकि इसमें वो टेक्नोलॉजी, दो वेरिएंट है इसमें, स्मार्ट और सिग्नेचर। इसमें वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि जो आज से पहले बहुत कम गाड़ियों में और बहुत बड़े ब्रांड्स ने की है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसकी डीआरएल के अंदर ही इनकी वो है, क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स और डीआरएल एक ही लाइट है। नीचे मेन लाइट्स हैं और इसकी ग्रिल देखें आप कितनी प्यारी है, एग्रेसिव ग्रिल है, ग्रिल है। हुंडई का लोगो देखें आप, देखें ग्रिल के अंदर डिजाइनिंग, क्रोमिंग और नीचे जो बम्पर के नीचे इन्होंने डिजाइन दिया है, कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि हुंडई ने किसी चीज में कोई काम छोड़ा हो। बेहतरीन से बेहतरीन चीज यूज की है। उसके बाद आप साइड प्रोफाइल देखें, कटिंग देखें, ट्रिमिंग देखें, फेंडर पे ट्रिमिंग देखें, 360 कैमरा है, ये साइड्स पे देखें इसे कितनी प्यारी इन्होंने एक पट्टी दी है। उसके बाद पूरी गाड़ी, डोर हैंडल देखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिजाइन। अब हम और टायर देखें कितने खूबसूरत हैं, कॉन्टिनेंटल के टायर हैं। रिम भी देखें और टायर देखें, हर चीज उन्होंने खूबसूरती के हिसाब से बेहतरीन बनाई है। अब हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं गाड़ी का, कि गाड़ी अंदर से कैसी है। गाड़ी अंदर से टू मच है, आप इसमें बैठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप रेंज रोवर में बैठ गए हैं। हर चीज लेदर की है, पूरी ट्रांसमिशन आपके पास यहाँ कंट्रोल है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल है, 6 टाइम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यानी कि ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। स्नो में कैसे चलानी है, बारिश में कैसे चलानी है, रेत पे कैसे चलानी है। दूसरा, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, दो इंजन है, 177 हॉर्स पावर जब आप आराम से चला रहे होंगे। अगर आपको गाड़ी में ज्यादा पावर चाहिए तो ये जाएगी 227 हॉर्स पावर, 227 घोड़े आप इसके भगा रहे हैं, आप ये समझे जब इसको फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं। एक कैपेसिटी के ऊपर ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे रहेगी, यानी कि आपका पेट्रोल यूज ही नहीं करेगी इसमें। ये सबसे बड़ा फीचर ये है कि सबसे ज्यादा माइलेज देती है आपको 1 लीटर में, सबसे कम पेट्रोल खाती है, क्योंकि ये पेट्रोल एक लिमिट के ऊपर जाके पेट्रोल यूज होता है इसके, उससे पहले पेट्रोल नहीं लेती। डैश, इसका डैशबोर्ड एलसीडी खूबसूरती देखें आप, गियर शिफ्टर देखें, ऐसे लगेगा कि आप रेंज रोवर या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में बैठ गए हैं। तो आई रिकमेंड यू के पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी है जो आज से पहले नहीं थी। गाड़ी की खूबसूरती देखें, हर चीज, बैक साइड, अब बैक साइड इनका डीआरएल दिखाएं, डे टाइम रनिंग लाइट, हैशटैग हाइब्रिड का फीचर, इतनी खूबसूरत गाड़ी है कि आप गाड़ी के पास आएंगे ना, ऐसी इस क्वालिटी की, इस टेक्नोलॉजी की गाड़ी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कम कंपनीज ने लॉन्च किया। और बूट जो है इसका ऑटो है, एक मिनट, इसका बूट है, ठीक है, इसका ऑटो बूट है, ऑटो। और 7 सीटर, सबसे बड़ी बात देखें, गाड़ी है 7 सीटर, आपको बड़ी फैमिली हो छोटी फैमिली हो उसके हिसाब से ही गाड़ी बनाई है कि पाकिस्तान में एक ही गाड़ी में सारी फैमिली ट्रैवल करे और मजा करे। बाकी थोड़ी जो डिटेल और ज्यादा इसकी डिटेल है वो मैं आपको 2 मिनट तक बताता हूँ। थैंक यू जी वीवर्स, हम आपको डिटेल फीचर बताते हैं हुंडई सेंटा फे के। और हमारे पास हैं मिस सुमेरा, जो यहाँ पे फ्लोर मैनेजर है हुंडई प्रीमियम मोटर ठोकर पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी कैसी तबीयत है आपकी? ये आपकी गाड़ी जब से लॉन्च हुई है दुनिया में इसने धूम मचाई हुई है, हर जगह ही हुंडई सेंटा फे का नाम है। पावर वाइज, लुक वाइज, कैपेसिटी वाइज दी बेस्ट है। तो थोड़ी डिटेल फीचर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इसमें ऐसे फीचर्स मैंने सुने हैं और देखे भी हैं जो आम गाड़ियों में नहीं है, या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी उस लेवल पे जाएंगे तो ये फीचर आएंगे, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को हमें बताएंगे इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास है हुंडई प्रीमियम पे, आपका बहुत ज्यादा वेलकम है। थैंक यू। और साथ ही गाड़ी के हवाले से मैं आपको थोड़ा बहुत बताती चलूंगी कि ये मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी है, जो कि मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट गाड़ी है 1.6 हाइब्रिड टर्बो इंजन के साथ। 1.6 टर्बो हाइब्रिड इंजन नहीं है कोई और गाड़ी, ये सेंटा फे के बाद ये भी लेवल है, ये नंबर 1 का लेवल है। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे बड़ा एज है कि हमारे पास क्रॉसओवर एसयूवी है, जिसके मेन मेन फीचर्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं, स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव, स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव एंड सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव, दो ऑप्शन हमारे पास इसके इसमें है। और इस टाइम जो मेरे पास गाड़ी है वो है ऑल व्हील ड्राइव, मतलब सिग्नेचर सेंटा फे सिग्नेचर वेरिएंट हमारे पास है, जिसकी सीट एडजस्टमेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टार्टिंग में इसकी मेमोरी सीट्स हैं, ये मेमोरी सीट्स आप देख सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ ये कैसे काम करेगा। हमने सीट एडजस्ट करनी है, सेट करनी है, उसके बाद ये मैंने जो स्टेप मैंने लेने हैं, अपनी मेमोरी सीट एडजस्ट करनी है तो मैं 1 प्रेस करूँगी और ये मूवमेंट आप देख सकते हैं, सीट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। और सेकंड पर्सन जब बैठते हैं वो अपनी सीट मेमोरी जो है वो खुद
इसमें एडजस्ट कर लेगा, वो अपने हिसाब से वो उसको बटन को प्रेस करेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंड इस सीट में, इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम जो सीट है वो 14 वे में एडजस्टेबल है। 14 वे एडजस्टेबल है, जो नहीं है किसी गाड़ियों में। हाँ जी, ये वो पॉइंट्स है जो अट्रैक्टिव एंड कस्टमर्स को एडवांस चाहिए होती हैं। ये तो सब गाड़ियों में आजकल आ रहे हैं, वो भी काम है। और इसमें एक और भी है कि जो कुशन है ये 4 साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि वो चीजें हैं जो आम गाड़ियों में नहीं है। आम गाड़ियों सबसे बड़ी बात इस पे ये है कि इसके अलावा भी इसके जो सीटें हैं वो सीटें इसकी वेंटिलेटेड एंड कोल्ड एंड हॉट दोनों सीटें। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आल्सो के, यार स्टीयरिंग भी आपका सर्दियों में ठंडा रहेगा और गर्मियों में गर्म रहेगा। अब दूसरा हम मैडम सुबैरा से पूछते हैं कि इसके अंदर के फीचर्स क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आप अंदर में अंदर आज जी व्यूअर्स, अब हम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। अब हम देखें, आप देखें गाड़ी अंदर से खूबसूरत कितनी है। अब इनका मीटर देखें, मीटर इनका कौन सा है, डिजिटल मीटर है हमारा डिजिटल। अब इनका स्टार्ट दिखाएं, इसके भी कलर ये देखें है। ये स्टार्ट है इनका, स्टार्ट है, स्टॉप बटन है। ये स्मार्ट है इसका, ठीक है, ये गाड़ी रेडी हो गई आपके चलाने के लिए। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप डैशबोर्ड ये सारा देख सकते हैं, गियर ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं और ड्राइव मोड्स आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है ड्राइव मोड्स वो 3 ही हैं और एक्स्ट्रा जो है ये ट्रेन है कि आपको कौन कौन से इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। सैंड आ रहा है, मड आ रहा है एंड स्नो आ रहा है कि आप किसी रेतली इलाके में हैं, स्नो में हैं या आप किसी मड में हैं, तो वो आप एक्स्ट्रा फीचर जो है वो एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं कि आपकी ड्राइविंग बेस्ट रहेगी, कि आपको किसी चीज का इशू नहीं होगा, हर तरह का फीचर। गाड़ी यार पहले जमाने में होता था कि गाड़ी में एक ही गियर है, इसमें आपको हर तरह के गियर अवेलेबल है। 1-2-3, 1-2 पार्ट से उतरना कैसे है, चढ़ना कैसे है, 4x2 करनी है, 4x4 करनी है, ये वो चीजें हैं जो आम गाड़ियों में नहीं है। सेंटा फे ने इसलिए दुनिया में मकाम हासिल किया है क्योंकि इसके इसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आम नहीं है, वो बेस्ट गाड़ियों की। दूसरा इनका सनरूफ चेक करते हैं, सनरूफ इनका दी बेस्ट है। देखें अब सनरूफ ये देखें यार, आप पाकिस्तान में हम भी गाड़ियां बचपन से देख रहे हैं, जो ये अब गाड़ियां आई है ना वो दी बेस्ट है, अट्रैक्टिव है। देखिए दिल करता है ना, हम इतने पैसे खर्च करें, हम गाड़ी में बैठे तो एक फील आती है कि हम किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे, लग्जरी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली। और इसमें 7 सीटर है नाजरीन, ये गाड़ी 7 सीटर है कि इसमें 7 सीटर। सनरूफ देखें यार, जॉइंट कार है, जॉइंट सनरूफ है। सनरूफ खोल के आपको ऐसा एटमोसफेयर देगा कि आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी वेल सेटल कंट्री में गाड़ी जाना है, जबकि ये गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तानी फ्लैग ये देखें, पाकिस्तान में हर जगह स्पेस ही स्पेस है इसकी। एक्स्ट्रा स्टोरेज है इसके अंदर, स्टोरेज है एंड आल्सो यूएसबी चार्जर्स एलिमिनेशन लाइट्स दिखाएंगे, जो लाइट्स हैं ये 10 वे में अवेलेबल है, ठीक है, 10 कलर्स हैं इसके। भाई व्यूअर्स देखें, पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी आपको हम दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, हेडअप डिस्प्ले वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब फुल ऑप्शन, कोई ऐसा मार्केट का फीचर, कोई ऐसा लग्जरी गाड़ी का फीचर जो इसमें ना, ठीक है। दूसरा इसके ब्लाइंड स्पॉट जो एक गाड़ियों में आ रहा है लेकिन लोगों को नहीं पता, ब्लाइंड